मेरा नाम अबूबकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम क्लास 9 फिजिक्स पर डे 34 पर चैप्टर 8 का आगाज़ करने जा रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम हीट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब स्टडी करेंगे और टेम्परेचर से रिलेटेड और कुछ टेम्परेचर के स्केल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर से मुराद ये है कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी जिस्म की गर्म या ठंडा होने की जो शिद्दत है उसको हम उस जिस्म का दर्जा हरारत कहते हैं। वेन एवर वी टच द बॉडी विच हॉटर कॉन्सेप्ट, जब हम किसी भी बॉडी को जो है वो छूते हैं, अगर वो गर्म हो तो हमें फील होता है कि वो गर्म है, और अगर हम किसी बॉडी को छूएं अगर वो ठंडी हो तो हम उसे छूने के बाद एहसास होता है और हमें फील हो जाती है कि ये बॉडी जो है वो कोल्डर है। तो ये जो है वो हमें दर्जा हरारत का जो फ़र्क है वो समझाता है। इसको इसकी जो है वो हम डेफिनेशन में जो है वो कंसिडर करेंगे कि किसी जिस्म की गर्म या सर्द होने की सलाहियत को उस जिस्म का दर्जा हरारत कहेंगे। आगे जी थर्मल कॉन्टैक्ट। थर्मल कॉन्टैक्ट से मुराद ये है कि वेन एवर वी कंबाइन या वी कॉन्टैक्ट द टू बॉडीज ए एंड बी, सच एज ए इज़ अ हॉटर बॉडी एंड बी इज़ अ कोल्डर बॉडी, जब दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगे और हम ये थर्मल कॉन्टैक्ट में इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। एक जो है वो हॉटर बॉडी है जिसको हम ए का नाम देते हैं, एक कोल्डर बॉडी है जिसको हम बी का नाम देते हैं। आपने देखा होगा कि हीट ट्रेवल करती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। जैसे ही हॉटर बॉडी जो है वो कोल्डर बॉडी के करीब आएगी तो कोल्डर बॉडी का जो है दर्जा जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इससे साबित हुआ कि जो है वो इसके कोल्डर के टेम्परेचर में जो बॉडी के जो है वो इंक्रीमेंट आया, और इस तरीके को जो हॉटर का कोल्डर से मिल जाना या कोल्डर का हॉटर बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आना, इस कॉन्टैक्ट को जो है वो हम थर्मल कॉन्टैक्ट का नाम देते हैं। आगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद क्या होता है कि कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, जब दो बॉडीज आपस में मिले एंड द सब्सटेंस विच मेक्स द फिजिकल चेंज, जिस उस सब्सटेंस के अंदर फिजिकल चेंज ना हो और कोई हीट जो है वो उसके अंदर एक्सचेंज ना हो, कोई एक्सचेंजेस ना हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब गर्मियों में जो है वो बर्फ़ को जो है वो बचाने के लिए एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि बाहर वाला टेम्परेचर और अंदर वाला टेम्परेचर मिक्सअप ना हो पाए और टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे अंदर वाला। या फिर आप गर्मियों में जो है वो बर्फ़ को जो है पिघलने से बचाने के लिए एक गर्म जो है वो कपड़े में लपेट देते हैं ताकि बाहर और अंदर वाला टेम्परेचर मिक्सअप ना हो पाए। तो इस सूरत हाल को जो है वो हम थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। जब नो हीट एक्सचेंज होती है, कोई जो है वो हीट जो है वो इफेक्ट नहीं करती और कोई गैसों का जो हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, ना ही वो हीट एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर पे मिक्सअप नहीं हो पाती, तो ये दो मिसालें जो है वो इस चीज़ को साबित करती हैं। आगे जो है वो हमारे पास हीट है। हीट से मुराद ये है कि हरारत की वो किस्म जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, इसको जो इस कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं वो हम हीट का। मिसाल के तौर पर एक बॉडी आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट है और एक बॉडी जो है वो आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोल्डर है। तो जैसे ही जो है वो हीट के जो कुछ मालिक्यूल्स हैं वो ट्रैवल करेंगे, मिसाल के तौर पर आपके पास एक रॉड है, इसके अंदर जो है वो मालिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो क्लोजेस्ट हैं विद पैक्ड ईच अदर। जैसे ही आप इसे जो है वो यहाँ से हीट देना शुरू करेंगे तो आपने इसको फ्लेम पर रखा हुआ है तो ये जो एक नेबरिंग मॉलिक्यूल जो है एनर्जी गेन करेगा, तो एनर्जी गेन करेगा दूसरे फिर तीसरे, इस तरह जो है वो इस हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ जो है वो एनर्जी मूव कर गई। तो विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हीट। इससे साबित हुआ कि हीट जो है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम हॉटर एरिया टू कोल्डर एरिया।